क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी देखते हैं बच्चों इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये साइड इस साइड के इक्वल है। इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ए बी ई में ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70। एक्स इज इक्वल टू 70। अच्छा, एक और चीज देखिए, ये है पैरेलल का साइन जो कि इसके पैरेलल दिख रहा है। मतलब ये साइड इस साइड की क्या है, पैरेलल। ये साइड इस साइड की पैरेलल है। पैरेलल ऐसे होता है, देखो ऐसे, ठीक है ना। तो ये साइड इस साइड की पैरेलल है और थर्ड लाइन कट कर रही है। कौन सी लाइन, ये देखो बीई है ना, कट कर रही है। इसमें मान लो कि ए बी हमारा ये है, ये हमारा ए बी है और ये हमारा ई, यहाँ पे मान लेते हैं पी है, ये हमारा पीई है, ये हमारा पीई है, ठीक है ना। और कोई लाइन ऐसी काट रही है कुछ इस तरह से, ऐसे ई मान लेते हैं, ई मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कोई लाइन ऐसी काट रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा कि नहीं होगा, इसे बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब दो लाइन को, दो पैरेलल लाइन को थर्ड लाइन काटती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, थर्ड लाइन काट रही है, तो ये 70 इस 70 के बराबर। बात समझ में आ रहा है, पहले हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, 70 इसी के बराबर थी, अब हम ये 70 इस 70 के इक्वल कर दिए हैं। अब ध्यान से देखना, यहां पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, पी ई सी बन रहा है कि नहीं ये ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में ये है एक्सटर्नल एंगल, और एक्सटर्नल एंगल हमेशा दूर के दो एंगल के सम के इक्वल। मतलब y प्लस 70 इज इक्वल टू 128। क्या यहां से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन डी देखिए बच्चों, सेकंड का डी। यहाँ पे ये पी क्यू एस एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको। पी क्यू एस में ये x डिग्री है, ये 40 है। अच्छा, ये साइड साइड के इक्वल है, तो ये 40, तो इसके सामने ये भी कितना हो जाएगा, 40। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल कितना होता है, 180। मतलब 40 प्लस 40 प्लस x, ध्यान से देखो, 40 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ जाएगा 80 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। समझ में आया, तो यहां से हमको x मिल गया 100। ऐसे यहां पे देखो, इसको देखो QSR को, दिख रहा है QSR, इसमें ये y है, ये साइड इस साइड के बराबर है इस ट्रायंगल के लिए। ध्यान देखिएगा, इस ट्रायंगल के लिए ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये साइड के सामने का एंगल इस सामने के एंगल के इक्वल। मतलब ये भी हो जाएगा y, तो y प्लस 20, क्योंकि ये बन रहा है एक ट्रायंगल और ट्रायंगल के तीनों एंगल मिल गए, y 20, और तीनों का सम कितना होगा, 180। y प्लस 20 इज इक्वल टू 180। अच्छा, इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, एग्जाम में पूरा लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी हो जाएगा 2y प्लस 20 इज इक्वल टू 180। यहाँ से तो आप y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 20 उधर भेजना, आप 2 से डिवाइड कर देना, समझ में आ गया। 160/2 करोगे, 80 आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ना ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं, दो क्वेश्चन हैं, और दोनों में हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। मैं दोनों क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिए। तो ये हमारे पास है थर्ड का ए, यहाँ पे ये डबल कट इस डबल कट के बराबर है। मतलब ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। ये सिंगल कट इस सिंगल कट के बराबर है, मतलब ए डी बराबर ए ई के इक्वल है। अच्छा, एक बात समझो, अगर ये इसके बराबर है तो इसके सामने के एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये जितना होगा वही इतना भी होगा। हम मान लें अगर ये एंगल के है तो ये भी एंगल के होगा। अब देखो, एक लाइन पर 180 डिग्री बनता है, अगर ये इतना के है तो ये कितना होगा। सपोज अगर ये इतना 80 होता तो ये कितना होता, ये होता 100, क्योंकि 180 में से 100 माइनस, सॉरी 180 में से 80 माइनस करते तो बचता वो 100। तो अगर ये के है तो ये हो जाएगा 180 माइनस के। बात समझ में आ रहा है, सेम चीज ऐसे अगर यहां पे भी ये के है क्योंकि ये इसके इक्वल था, तो ये इतना भी हो जाएगा 180 माइनस के। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब जैसे ये के इसके इक्वल है, वैसे ये इतना भी, ये इतने के इक्वल है कि नहीं, क्योंकि 180 माइनस के, 180 माइनस के, बोथ साइड इक्वल। अच्छा, ये देखो, ये साइड इस साइड के इक्वल, तो इस बड़े ट्रायंगल को ध्यान से देखो, बड़े ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल, तो इसके सामने का एंगल ये वाला एंगल, इसके सामने के एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये वाला साइड इस साइड के इक्वल। तो हम कह सकते हैं
कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ना, ये ट्रायंगल वो इस ट्रायंगल के इक्वल है। कैसे? इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर, इस ट्रायंगल का जहां मेरा पेन घूम रहा है, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के जहां पेन घूम रहा है उसके इस एंगल के इक्वल है, और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल 180 माइनस के वो इस ट्रायंगल के 180 के बराबर। तो एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से दोनों ही ट्रायंगल, सिर्फ ये इतना ध्यान रखना है, इसने के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड है कितना, एक्स माइनस टेन, इसका मतलब एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस वाई के। बात समझ में आ रहा है? अगर वाई यहां लेके आए तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 प्लस 10 हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 24। ठीक है ना? ऐसे ही देखो, एक्स माइनस वन इक्वल टू वाई प्लस थ्री, एक्स माइनस वन इक्वल टू वाई प्लस थ्री, वाई यहां लेके आए तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक ये इक्वेशन है, दूसरा ये इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करना आपको आता है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, किसी भी तरीके से आप इन दोनों में से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो दोनों का यूज करके। ठीक है ना? और ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसा है, ध्यान से देखो, इसमें तो मैं आपको ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, खुद से करना। ये साइड इस साइड के इक्वल, तो इसके सामने का ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ठीक है ना? ये साइड इस साइड के इक्वल, तो इसके सामने का ये इतना एंगल ये इतने के, मान लेते हैं ये के है तो ये हो जाएगा 180 माइनस के, ऐसे ये के क्योंकि इसके बराबर सेम होंगे तो ये भी 180 माइनस के, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, फिर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, फिर ये साइड आपस में इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल, वन सेकेंड एक्चुअली यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी है, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था बट यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, इसे कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत ही नहीं है, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है ना, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है कि नहीं, देखो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये साइड है कितना, 13x माइनस 15, कितना है बच्चों, 13x माइनस 15, ये वाला साइड किसके बराबर है, इस साइड के, जो कि है 20 माइनस 11y इक्वल 20 माइनस 11y। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, ये है 13y माइनस 24, वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा हमारा 50 माइनस 11x के। बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का यूज करेंगे, यहां पर एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, कैसे, जैसे पहले किया था, कैसे किया था, 13x लिख देंगे, फिर 11 वाई इधर लेकर के आ जाएंगे, तो प्लस 11y हो जाएगा इज इक्वल टू 20, और इधर जाएगा तो प्लस 50, क्योंकि ये माइनस से उधर गया तो 50, तो ये हो जाएगा 13x प्लस 11y इज इक्वल टू 70। ये पहला हो गया। ऐसे यहाँ पे भी हम ये कारनामा करेंगे, कैसे, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 11x और ये प्लस 13y इज इक्वल टू 50, और उधर जाएगा तो प्लस 24। ठीक है ना? तो ये 11x प्लस 13y इज इक्वल टू हो जाएगा 74। और इन दोनों को, सॉरी, इन इसको इसको इक्वेशन वन मानेंगे, इसको इक्वेशन टू मानेंगे, और इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट तो करना ही था, बहुत ही सिंपल था। इस क्वेश्चन में तो कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्चुअली ये ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, यहाँ तो ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, बल्कि ये बन रहा है एक तरह का ट्रॉपेजियम, अगर ये पैरेलल होता तो, ठीक है ना, ऐसे दिया नहीं है पैरेलल, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल कर देना है। ठीक है? ओके, अब इसके आगे क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन 4, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।